तो पुष्पा ने कर दिया है वो कमाल जो कमाल आज तक कोई मूवी नहीं कर पाई रिलीज होने से पहले, क्योंकि इसने इतना बड़ा हाथ तो फेरा है लोगों के ऊपर कि भाई एकदम गेम खेल डाला इस मूवी ने। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि क्या करा है, तो आप खुद बोलोगे कि भाई ये तो भोकाल मचा दिया मूवी ने। अब आप बोलोगे ऐसा क्या कर दिया, अरे भाई रुको तो सही, मैं किस लिए हूँ। तो भाई ये इसने रिलीज होने से पहले ही डिजिटल सैटेलाइट और फलाना फलाना के राइट्स बेचकर इसने 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और अभी तक इसका बजट भी सामने आ गया है कि इसका बजट 500 करोड़ रुपए होने वाला है, जिसमें आपको पता ही चल गया होगा इसका बजट इतना क्यों है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की फीस तो बहुत ज़्यादा होने ही वाली है। दूसरा, इस मूवी के जो थिएट्रिकल राइट्स है वो 600 करोड़ में बिके हैं, और जो टेलीविजन पे दिखाने के राइट वो 85 करोड़ रुपए में, और म्यूज़िक के जो राइट्स बिके हैं वो 65 करोड़ में। अब बात करें स्ट्रीमिंग राइट्स की, तो वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं 275 करोड़ रुपए में। भाई इतना पैसा तो देख के अल्लू अर्जुन की आंखें भी एकदम नम हो गई होगी कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया पुष्पा बना के कि लोग आधे बावले हो गए। तो भाई रिलीज होने से पहले इतने कमा लिए हैं, तो बाद में क्या कमाएंगे भाई। इसके बाद एक और न्यूज जो पुष्पा को लेकर है कि पुष्पा 2 के अंदर आइटम सॉन्ग होने वाला है, ये तो भाई सबको पता है, लेकिन आइटम सॉन्ग के अंदर होने वाली है श्रद्धा कपूर। तो भाइयों इस बार क्या तहलका मचाते हैं आइटम सॉन्ग से, अब आइटम देखना पड़ेगा। तो आपको एक बात भी पता होगी कि आज है प्रभास का बर्थडे, और आज कुछ ना कुछ तो वैसे भी इनको रिलीज करना ही था प्रभास की आने वाली मूवी के ऊपर। तो इन्होंने राजा साहब का एक मोशन पोस्टर रिलीज करा है, जिसको देखने के बाद मैं बस यही कहूंगा कि इतना अच्छा पोस्टर और इतना अच्छा पोस्टर, ये इससे ज़्यादा अच्छा और तब लग सकता है जब आप इसे रिलीज नहीं करते। क्योंकि इस पोस्टर को देखने के बाद ना, इसमें पहली बात तो पूरा एनिमेटेड ग्लिम्स है, लेकिन यार इसके अंदर जो प्रभास का लुक है, जो इन्होंने एनिमेटेड कैरेक्टर बनाया है प्रभास का, वो बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। और जो दाढ़ी मूछे रखे हो, जो राजा साहब कुर्सी पे उनको बिठा रखा है ना भाई, बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा है। आप ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी यार क्यों करा ऐसा आप लोगों ने, इससे बढ़िया तो जो पहला आया था एकदम रियलिस्टिक वाला, वो कितना ज़ोरदार था, जिससे लोग आधे और मतलब ऐसे ताव में आ गए थे कि भाई हमारा प्रभास वापस आ चुका है एकदम नेचुरल वाले रोल के अंदर। तो भाई ये सब था, लेकिन अब मूवी के लिए एक्साइटमेंट इससे कम तो नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ छोटा सा फिल्म से। बाकी मूवी देखेंगे ज़रूर, और ये थी आज की न्यूज़, आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मिलना है अगले वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।